ज वेलकम बैक टू माइर चैनल टिप्स एंड मेकअप सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद माई नेक्सटेंशन एंड नेल आर्ट तो मैंने फर्स्ट टाइम नेक्सटेंशन कराए है सो एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रही हूँ मुझे अभी फिफ्टीन डेज हो चुके हैं सो आई नो की मुझे क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and hit the bell icon. So let's get started. चैनल कराने गई थी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं शूट भी करूँगी बट मेरा मन किया कि यार आप के साथ शेयर कर देते हैं सो तो जो भी क्लिप हो पाई है जो भी शूट हो पाया फोन से ही किया है मैंने अपने सो तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी उसमें मैं डाल दूंगी अभी पूरा प्रोसेस कि आ, इन्होंने कैसे लगाए हैं क्या आ, लेंथ रखी है सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो हमारे नेल्स को क्लीन करना होता है तो जो हमारे जो एक्चुअल नेल्स होते हैं उसको कट किया जाता है एंड नेल फाइलर की हेल्प से थोड़ा सा उसको रॉ रखा जाता है देन uh, हमारी फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग नेल्स को स्टिक uh, किया जाता है नेल ग्लू से सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं नेल्स की तो अकॉर्डिंग टू योर नेल्स वो uh, वो लोग अपने नेल्स uh, को जो है स्टिक करते हैं आपके मैंने प्लास्टिक वाले नेल्स रखवाए थे दो तरह के नेल्स होते हैं एक एक्रेलिक एक नेल्स होते हैं एंड ये एक प्लास्टिक वाले होते हैं तो मैंने ये प्लास्टिक वाले रखवाए थे जो तो नेल्स हैं ये एकदम रॉ है फुल साइज में सो तो इसके आ, ये एकदम रॉ लगाए जाते हैं उसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो शेप एंड जो लेंथ है वो अकॉर्डिंगली करा सकते हैं तो मैंने इसको ट्रिम करा लिया था मुझे बहुत ज्यादा ने, बड़े नेल्स नहीं चाहिए थे आ, सो मैंने अभी जो एक्चुअल जो मेरे नेल्स है उससे थोड़े से बड़े थे क्योंकि वो नेल फाइलर से अभी थोड़े से क्लीन होंगे आ, तो थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो भैया ने यहाँ पे नेल ऑयल लगाया है मुझे ताकि वो जो नेल पाउडर जो वो लगाने वाले हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो मैंने यहाँ पे चूज किए थे ऑमरे नेल्स तो यहाँ पे दो तरह के दो कलर के पाउडर लगाए जा रहे हैं जो आ, अपर पार्ट में मेरे वाइट कलर आएगा एंड जो लोअर पार्ट में है वो काइंड ऑफ पिंकिश कलर आएगा पीचिस एंड पीचिश एंड पिंकिश सो यहाँ पे जो पाउडर है वो लगाया जा रहा है एंड ये काइंड ऑफ ग्लू बन जाता है सो so, इसमें जो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है इसी प्रोसेस में बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ ही लगाए जाते हैं आप देख सकते हैं ब्रश से एक ब्रश से लगा रहे हैं भैया इन काफ़ी अच्छे से भैया ने सजेस्ट किया था कि इनको क्या करना है कैसे करना है वो मैं आपको आगे एक्सपीरियंस में बता दूंगी अपने सो so, यहाँ प्रोसेस चल रही है हमारे नेल्स की ऊपर भी यानी वाइट लगाए हैं एंड नीचे पीचिस काइंड ऑफ शेड था क्योंकि मुझे ऑमरे नेल्स कराने थे बहुत ज्यादा हैवी नेल्स नहीं चाहिए थे मुझे नेल्स का जो डिज़ाइन है वो मैं पहले ही सिलेक्ट कर चुकी थी तो मैंने भैया को अकॉर्डिंगली बता दिया था देन भैया खुद ही कर रहे थे क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था सो uh, या so, yeah, यहाँ पे मेरे ब्रश से अप्लाई हो रहा है uh, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है मतलब मुझे टोटल टू uh, आवर्स लग गए थे मैक्सिमम मतलब पूरा प्रोसेस कराने में पहले मैंने भैया को बताया समझाया अच्छे से देन उन्होंने स्टिक किया uh, फिर ये किया सो so, काफ़ी इसी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सो uh, so, मैंने कराए थे लुक्स से सो uh, so, जो एड्रेस वगैरह होगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी नोएडा uh, से कराए थे मैंने ये लुक्स पार्लर में सो so, या yeah. मेरा एक हैंड हो चुका है पूरा एंड दूसरा भैया कर रहे थे तो ये थोड़ा सा ना आ, मैं मैंने इतना ही लेंथ रखवाने की सोची थी बट उसके बाद ना मेरा फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था दैन मैंने अपनी जो आ, लेंथ थी ना वो कम करा दी सो ये अभी क्या हो रहा है कि नेल फाइलर से बहुत अच्छे से फिनिशिंग जो आती है ना ये इसी टाइम पर आती है नेल फाइलर से भैया शेप दे रहे हैं अच्छे से आ, हर एक नेल्स को जो अगर आपको कम ज्यादा कराना है तो वो आप इसी टाइम पे करा सकते हैं एंड पूरे अच्छे से चेक करिए करिएगा जब भी आप करा रहे कि लेंथ वगैरह सब कुछ इक्वल हो ज़्यादा शार्प ना हो आ, देन या ये प्रोसेस होने के बाद मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा फीके फीके लग रहे थे तो मैंने अपनी एक फिंगर पे आ, ये ब्लैक वाला नेल आर्ट कराया था तो यहाँ पे कलर बनाया जाता है सो uh, so, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का शेड बनाया है एंड ब्रश से भैया अप्लाई कर रहे हैं uh, जिकजैक वाला शेप मैंने कराया है एंड देन स्टोन्स लगवाए थे उसके ऊपर स्टोन्स वाली वीडियो बना नहीं पाई हूँ मैं सो uh, so, यहाँ पे नेल आर्ट हो रही है मेरी एंड बहुत ही अच्छे से भैया ने किया हर चीज़ प्रॉपर सब कुछ नेल्स वगैरह लेंथ सब कुछ देख के आ, देन मेरा एक हैंड हो चुका है कंप्लीट देन यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख देते हैं एंड भैया ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आ, जो स्पार्कल लगा देते हैं एंड या दैट्स द फाइनल लुक आई होप ये सिंपल इजी पीजी नेल्स नेल आर्ट आपको पसंद आई होगी मेरी Guys, अभी तक मैंने आपको शेयर किया कि मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे कराया कहाँ कराया एंड सब कुछ अब मैं आपको बता बताती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी इन नेल एक्सटेंशंस के साथ सो so, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा ना अभी जो लेंथ है इसे थोड़ी सी लंबी रखवाई थी uh, मुझे थोड़ी सी लम्बे लॉन्ग नेल्स चाहिए थे बट मैंने फिर देखा कि मेरे फ़ोन से मेरा फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा था मतलब मेरे से मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा था टच वगैरह नहीं हो पा रहा था प्रॉपर सो so, अगर फ़ोन ही यूज़ नहीं हो रहा था तो और मैं क्या कर पाती सो so, मैंने अपने जो नेल्स की लेंथ है वो बहुत नॉर्मल कि मैं इजीली अपना कोई भी काम कर सकूं, But starting में थोड़ी सी कोई भी नई चीज आती है तो लगता है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी पेन पकड़ने में एक्चुअली uh, मेरे एग्जाम्स थे अभी कुछ टाइम पहले तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी पेन पकड़ने में बट uh, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फ्लो बनता गया सो so, uh, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ये निकल जाते हैं या फिर आ, लूज हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये प्रॉपरली फिक्स रहते हैं आ, ये जो नेल पाउडर लगाते हैं ना बिल्कुल ऐसा नहीं आपको मतलब अब तो मुझे हैबिट हो गई है टेन डेज में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही नेल्स हैं सो कुछ नहीं निकलता कुछ लूज नहीं होता किसी किसी के लूज हो जाते हैं अगर उस टाइम पर कराने के टाइम पर अगर आप अच्छे से इसको फिक्स नहीं कराते हैं तो जब भी आप करा रहे हैं आप प्रॉपरली चेक कीजिए कि नेल्स कोई प्रॉपर फिक्स है शेप वगैरह सबकी इक्वल होनी चाहिए सी uh, मैंने जहाँ से कराया था वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत तरीके से खुद से ही कर दिया था क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस uh, नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सजेस्ट भी किया हर चीज़ एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि मैनी वगैरह नहीं कराना है अगर आप ड्राई मैनी कराना चाहते हैं तो वो uh, करा सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के नेल्स होते हैं सो uh, so बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो पानी में गर्म पानी में वर्क जो है बट स्टिल अभी जो है मैं ऑलमोस्ट सारे ही काम कर रही हूँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आ, ये लूज नहीं होते हैं एंड ये प्लास्टिक वाले लगवाए थे दो तरह के नेल्स होते हैं एक जेल वाले नेल्स होते हैं एक प्लास्टिक वाले तो मैंने ये प्लास्टिक वाले लगवाए थे सो so आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा नेल आर्ट कैसा लगा मैं पिक्चर्स इंक्लूड कर दूंगी सो uh, uh, so अभी तो मैं ट्वेंटी डेज और रखने वाली हूँ भैया ने बोला था ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज तक ये लॉन्ग लास्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती अः uh, सो so या अभी ट्वेंटी डेज और रखने वाली हूँ मैं लेट्स डिपेंड uh, करता है कि आपकी जो नेल ग्रो है मतलब जो आपके एक्चुअल नेल्स की जो ग्रोथ है वो कितनी फ्रीक्वेंट uh, हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है सी प्रॉब्लम ये तब करते हैं जब नीचे से हमारे जो ओरिजिनल ने, नेल्स हैं ना वो ग्रो होने लग जाते हैं तो फिर वो डबल डबल नेल्स हो जाते हैं उससे क्या होता है डस्ट वगैरह उससे क्या होता है डस्ट वगैरह सब कुछ आपके नेल्स के अंदर जो है वो जमा होने लग जाती है वो अच्छे नहीं लगते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज का टाइम इसीलिए ही, ही दिया जा सकता है बाकी मेरी जो नेल फिनिशिंग वगैरह है काफी अच्छी है अभी तक टच वुड कुछ नहीं हुआ है एंड थोड़ा सा पेन रहता है स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था uh, स्टार्टिंग के टू uh, डेज तक उसके बाद ये एकदम से नॉर्मल हो गए हैं सेट हो जाते हैं ये ना हमारे फिंगर uh, के अकॉर्डिंग सो या याराइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो इंटरेस्टिंग रही हो मजा आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो so, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो देन स्टे ट्यून्ड